the future of hindus is not safe under the modi regime आप कंफ्यूज कर रहे हो कि सरकार का रोल क्या है स्टेट का रोल क्या है भारत का एक संविधान है वो संविधान भी कहीं कहीं से imported है उसकी कुछ लैंग्वेज है उसमें बाद में कुछ जहर भी घोला गया कुछ लोगों के द्वारा इमरजेंसी में उस लॉ एंड ऑर्डर के भरोसे पे क्या हिंदू समाज अपना अस्तित्व पे लगा देगा क्या रैंडमीजिंग लो लेवलेंस मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जयपोर डायलॉग्स पर हमने वो डेटा अपलोड किया है साढ़े पाँच अधिक हिंदुओं की राजनीतिक हत्या गई है इस्लामियों के द्वारा एक तो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है इन सारे जगहों पे हिंदुओं का जेनोसाइड हो ही रहा है बहुत दुख के साथ में यह कहता आया हमेशा कि बांग्लादेश और पाकिस्तानी क्यों हमारे अपने कश्मीर में से पंडितों को जिस तरह से उन्नीस में खदेड़ दिया गया अब आप ये देखिए कोई हिंदू के पास आके कह रहा है आप बहुत गरीब है आपके पास खाने को नहीं है आपके पास रहने को नहीं है आपके पास हॉस्पिटल के लिए फैसिलिटीज नहीं है आपके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नहीं है हम सब आपको वो देंगे बस आप कन्वर्ट कर लीजिए वो कह रहा है मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे आए बताएंगे उसको हिंदू फिर आप हिंदू को एंपावर नहीं कर रहे आप उसको पुलिस से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे आप उसको स्ट्रीट पर पावर नहीं दे रहे आप उसकी बेसिक नीड्स उसके बच्चों की एजुकेशन उसके मां-बाप का इलाज उसका ध्यान नहीं रख रहे और वो कैसे रखेंगे आप धर्मांश अनलेस हम हिंदू ज़कात शुरू नहीं करते हम नहीं बच सकते सॉरी 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 आई हैव एन ऑब्जेक्शन टू दैट वर्ड कई कनिया लाल को मारा फिर उमेश को मारा प्रवीण नेटारू को मारा अंकित शर्मा को मारा दिलबर बर को मारा निकिता तेमर को मारा क्या सरकार इसे रोक सकती है कि समाज इसे रोक सकता है? मैं आपसे पूछता इतिहास का चक्र अब हमारी फेवर में भी है हमारा काम है की अब उसको सशक्त बनाना एक किसी गुड़ीजन ने नारा दिया बटेंगे तो कट लेंगे हम एक बड़े गहन विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं देखिए देखिये टीजेडी राउंड टेबल का फॉर्मेट जो है ये गहन चिंतन के लिए और वो मेन स्टेज वाला है वो पॉप शो है तो अभी आप आनंद जी को और कपिल जी को पॉप शो में देख चुके हैं। अब आप इससे गहन चिंतन कर सकते हैं तो जो विषय है वो है इस फ्यूचर ऑफ इंदू सेफ प्रिवेंटिंग अ बांग्लादेश इन इंडिया तो मैं अनुरोध करूँगा ये गहन चिंतन का विषय है इसलिए मैं आप पाँच मिनट तीस सेकेंड और चाहिए तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स फाइव मिनट्स ईच तो वो फाइव मिनट्स में ट्वेंटी मिनट्स हो जाएंगे उसके बाद फिर हम उसका फॉलोअप लेते जाएंगे और लास्ट टेन मिनट्स में हम कुछ आप लोगों से क्वेश्चंस ले लेंगे और मुझे आप लोग कोई दिख नहीं रहे तो इसलिए यू आर फ्री कोई भी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है आई हैव नो अपॉर्चुनिटी टू फिल्टर यू आउट तो स्टार्ट विद अविनाश जी आप सर आई होप यू आर फेमिलियर विद एवरी क्योंकि यहाँ जितने लोग भी यहाँ हैं वे सभी जयपुर डायलॉग्स में आए हुए हैं और अब अविनाश धर्माधिकारी जी से मैं आरंभ करूंगा अविनाश धर्माधिकारी वैसे मेरे बैचमेट हैं लेकिन इन्होंने दस वर्ष की आयु में ही सिविल सर्विसेज से वैराग्य प्राप्त कर लिया था तो अब वैराग्य प्राप्त करने के बाद फिर ये जो है वो शिक्षण के क्षेत्र में आ गए तो अविनाश जी आपने इस विषयों पर कई पुस्तकें भी लिखी है तो अब आप बताएं कि ये जो विषय है आपको क्या लगता है कि ये ओवर डिफिटिस्ट तो नहीं है फ्यूचर ऑफ हिंदू सिर्फ हाँ पहली तो बात है ओवर डिफीटिस्ट डिफिटिस्ट है नहीं ये आगाह होने की बात है लेकिन सतर्क होने की ज़रूरत है अगर दुनिया का इतिहास भी देखें तो अलग अलग संस्कृतियां निर्माण हुई और इतिहास के डस्टबिन में जमा हो गई तो हम जिसको अपनी सभ्यता मानते हैं संस्कृति मानते हैं उसके प्रति प्रेम और सूझबूझ के साथ जब उसका उसको उसका रक्षण करेंगे तभी संस्कृति बनी रहेगी अभी हम जैसा सनातन हिंदू और भारतीय समानार्थी ही शब्द है तो बुनियादी चुनौतियां हैं यहाँ तक कि एक्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम अस्तित्व को ही खतरा है और कभी कभी तो दुख होता है कि कब जाग उठेंगे हम सब कब जाग उठेंगे हिंदू अक्सर ये, ये बातें जब चलती है तो मुझे स्वतंत्र वीर सावरकर याद आते हैं और उनके कुछ वाक्य हैं जो मन में बहुत ही वेदना निर्माण करते हैं और सोचना पड़ता है कि उनका जैसा जो विजनरी है क्यों उन्होंने इस तरह का वाक्य कहा के जैसे उनका एक वाक्य है ओरिजिनल मराठी में था था कि हिंदू समाजानी फोड़ने ली सेवटी किंका मंजे मियाँ सावरकर खुद का वर्णन करते हैं कि जैसे हिंदू समाज के लास्ट शाउट माय लास्ट शाउट तो उनको वो डायनेमिक शायद समझ में आया होगा तो उन्होंने इस तरह के दुख की बात भी है और वो याद दिलाने की बात है मैं एक दो बातों पर आ, आ, पॉइंट ड्राइंग योर अटेंशन ध्यान ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ एक तो जो बांग्लादेश में पाँच अगस्त की शुरुआत से हुआ उससे पहले भी हो रहा है वो पूरे भारतवर्ष के लिए नोटिस है वो राजनीतिक स्तर पर भी नोटिस है और जिस तरह का जेनोसाइड हो रहा है उस वो भी नोटिस है वहीं क्यों अभी तो हमारे आज जो हमारे पास है उस बंगाल में भी दुर्गा पूजा के सामने खतरा तो अभी नोबेल प्राइज विजेता जो भी उनके नामधारी अध्यक्ष बने हो वहाँ जो हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक है तो ये तो बहुत ही हिंसक और धोखादायी बात है यही हुआ उन्नीस में डायरेक्ट एक्शन डे के वक्त यही हुआ 1905 में भी वंग भंग के ही वक्त और वहीं पे क्यों एक तो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है तो इन सारे जगहों पे हिंदुओं का जेनोसाइड हो ही रहा है हमने कभी वो नेहरू लियाकत पैट पे भी न कभी ध्यान दिया न कभी पूछा न पाकिस्तान को पूछा या उन्नीस की लड़ाई के बाद बांग्लादेश में जो जेनोसाइड किया उसके बारे में पूछा जहां तक अपनी छोटी आवाज में हम सतर्क कर सकते हैं बहुत दुख के साथ मैं ये कहता आया हमेशा कि बांग्लादेश और पाकिस्तानी क्यों हमारे अपने कश्मीर में से पंडितों को जिस तरह से 1990 में खदेड़ दिया गया और ऐसा चित्र तैयार किया जा रहा था कि जैसे ऐसे ये कुछ हुआ ही नहीं तो ये धोखा तो पूरे भारतवर्ष में है और एक बात की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ हमारा जो हर पाँच साल बाद होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एन तो जो पांचवा एन निकल आया वो दिखाता है कि हिंदू जनसंख्या वृद्धि का दर 1.9 तक पहुंचा है इसका मतलब है वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गया है तो 2.1 से नीचे आ गया और जैसे कि लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है और हमारी कोशिश है कि उसके सामने सत्य की इकोसिस्टम खड़ी कर दे मुझे याद है कि जिस दिन ये एन एफ आया उस दिन हिंदू तो एंटी हिंदू है ही अभी लगता है इंडियन एक्सप्रेस भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है हाँ बहुत पहले हाँ <laughs> हा? तो उन्होंने न्यूज़ किया था उन्होंने न्यूज़ किया टाइटल क्या था ड्रास्टिक रिडक्शन इन मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और वो पहले वाले सेंसस में जो 2.9 था अब हुआ 2.6 उसको कहते हैं डेस्ट्रिक रिडक्शन पॉइंट फोर हाँ और और अब हिंदुओं का जो 1.9 तो ये डेंजरस बात है एक जो आई अधिकारी रह चुके हैं एस वाई कुरैशी जी उनकी एक किताब है पॉपुलेशन मिथ उन्होंने उसमें आर्ग्यू करने की कोशिश की है कि ये जो डेमोग्राफी जिहाद की हम भी बात करते वो कहते वो सच्ची है नहीं पर उन्होंने खुद स्टैटिस्टिक्स दिया है कि स्वतंत्रता के वक्त भारत में विभाजन के बाद नाइन पॉइंट समथिंग था मुस्लिम पॉपुलेशन जो वो कह रहे हैं अभी पहुंच गया है चौदह पॉइंट समथिंग पंद्रह के करीब करीब अगर उसमें गैरकानूनी बांग्लादेशी वगैरह की बढ़त ना हो दो तो, तो ये धोखा है और जागने का वक्त है लेकिन मैं आखिरी ये बात कहते हुए मेरा समय शायद समाप्त हो रहा है मेरा असेसमेंट है दैट द तो वर्स्ट इज बिहाइंड अस तो कि हाँ कि जो इतिहास का चक्र है मुझ, मैं ये अनुभव करता हूं कि इतिहास का चक्र अब हमारी फेवर में भी है हमारा काम है कि अब उसको सशक्त बनाना आनंद जी इसी संदर्भ में अभी हम अभी भी नाइन्थ ग्रेडिंग है या ग्रेड पे पहुंच गए आई थिंक नाइन्थ एक सर लास्ट लास्ट ईयर भी नाइन्थ ही थे लास्ट ईयर एट्थ थे yes, थे हो <laughs> गए तो क्या ऐड हुआ है इसमें <laughs> मैं बताता हूँ uh, पहले तो थैंक यू सो मच संजय uh, जी एंड फॉर दिस एब्सोलूटली वंडरफुल एटमोसफियर पर शुरू करने से पहले uh, मैं ये दो चीज़ें बताना चाहता हूँ एक कि कपिल जी मेरे मित्र नहीं मेरे भाई थे हैं और रहेंगे मैं कुछ भी कह लू ठीक है दूसरी बात आज आपकी लड़ाई हुई है क्या मतलब हम हम बटेंगे तो सब कटेंगे <laughs> टी शर्ट आपको उतार दी टी शर्ट उतार दी अच्छा चेंज किया दूसरी बात इस्पेक्टिव ऑफ वोट आई एव जस्ट सेड आप वो सुनना चाहते हैं जो कि आपको सुनने में अच्छा लगेगा या वो सुनना चाहते हैं जो सच है आप मुझे बता ठीक है थैंक यू ये सबसे पहले मैं क्लियर कर दू uh, तो सच ये है आपका टाइटल क्या था संजय जी इसका क्वेश्चन था ना एक नहीं क्वेश्चन सेफ इन टू बांग्लादेश इन इंडिया हाँ तो सीधी सच ये है एज इट स्टैंड्स द फ्यूचर ऑफ हिंदूस इज नॉट सेफ अंडर द मोदी रेजी ये सच है अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नॉट इवन विद 240 आई थिंक इट्स सेफर विद 240 <laughs> <laughs> इसके देखिए तीन चार रीज़न्स हैं और आपने मैंने आपसे पहले पूछ लिया था मैं वही बोलूंगा जो सच है आपको अच्छा लगना तो मैंने आप आई गिव यू अ चॉइस तो जो आपको सुनने में अच्छा लगे मैं एक भी चीज़ नहीं बोलूँगा उसमें तीन रीजन हैं वी हिंदूज हैव बीन प्रोग्राम इन टू टू थिंग्स वन सेल्फ लोदिंग एंड लेमेंट लेमेंट का मतलब अरे चलो सब गड़बड़ हो गया ये हो गया उसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँ लेमेंट का ये होता है कि आदमी दुख में लेमेंट करे और उसके बाद कोई एक्शन ना ले कि फ्यूचर के लिए क्या है उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ नू में आपने राइट्स देखी मैं उसको एक्चुअली एंटी हिंदू राइट्स ही कहूँगा जिस तरह से डेवस्टेशन मेवात एरिया में हुआ आप जानते हैं ऑर्गेनाइज राइटिंग थी लोग मारे गए टेंपल नहीं जाने दिया गोसा नू इज़ नाउ व्हाट 80 परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन इन डिसम्बर ऑफ नाइनटीन द सेवन दे मेवा्स फ्राम देट एरिया वर माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान दे वॉन्टेड टू लीव ओके दे डि नॉट लाइक इंडिया महात्मा गांधी वेंट स्पेशली देर करेक्शन मोहनदास करमचंद गांधी ही वेंट स्पेशली देर टू कन्विंस दैम कि आप रुकीये आपके लिए हम एक्स्ट्रा कदम बढ़ाएंगे और वो रुके अब मैं आपको एक बर्बिम कोर्ट सुनाता हूँ ये लिमेंट आपको समझ में आ जाएगा दिस इज अ कोर्ट कोर्ट द ओनली इफेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग द माइनॉरिटीज प्रॉब्लम लाइज इन पॉपुलेशन एक्सचेंज Until that is done, even with the creation of Pakistan, the problem of majority versus minority will remain. Transfer of minorities is the only lasting remedy for communal peace, unquote Dr. B. R. Ambedkar. <laughs> Was he dumb? Was he uneducated? Had he not seen the world? Why would he say something like that? Why would you say something like this that our politicians now are afraid to even quote this? Point number one. Islam each and everything is so minutely analyzed, it is scary, frightening to the level of clarity of Dr. Ambedkar on Islam. And people who are always trying to divide. अम्बेडकर दे ऑलवेज कोट हिज थिंग्स ऑन हिंदूइज्म ऑन इस्लाम क्योंकि उनको पता है वहाँ उनकी डिफीट होगी और मैं हमेशा अम्बेडकर को इस्लाम पे खोट करता हूं कि लोह द पॉइंट इज नाउ हिंदूज आर लिमेंटिंग अरे एक्सचेंज नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ दैट इज पास्ट जो आपका सवाल है आज के टॉपिक का विल हिंदूज सरवाइव और समथिंग सो वी हैव टू लुक टू द फ्यूचर विद दिस थिंग That even after creation of Pakistan, we have the world's second largest Muslim population. More than the population of Pakistan. Yep. In India. Right? People who no wanted long, Pakistan. No longer, no longer. No longer? No longer. So it's uh, first is Indonesia. It's, it's uh, now first in Pakistan, second Indonesia, third oh. in India. Acha. We progressed. But Pakistan a <laughs> <laughs> और बड़े थाले नहीं देखिए का क्या है कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पा रहे अब मैं आपको जल्दी से तीन एग्जांपल देता हूँ क्योंकि टाइम इज एसेंस हिंदू कब बचेगा? सिर्फ थर्टी सेकेंड्स बची <laughs> प्रॉब्लम हो गई ये तो हिंदू कब बचेगा जब हिंदू के पास खाने को होगा जब हिंदू के पास रहने को होगा जब हिंदू के पास पढ़ने को होगा तभी तो बचेगा ना वरना ही विल से जो मुझे ये तीन चीजें दे रहा है आई विल गो टू हिज फोल्ड अब आप इस सरकार ने टेम्पल्स आर अंडर स्टेट कंट्रोल लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ मनी दैट शुड लेजिटिमेटली बिलोंग टू द दिंदू टेम्पल्स यूजिंग विच दे विल क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स हॉस्पिटल्स पाठशालाज सो मैनी अदर सेंचुरीज सो मैनी अदर थिंग्स स्पेशली फॉर हिंदूज एंड प्रोपेशन ऑफ हिंदूज्म नॉट एबल टू डू करोलरी ऑल दोज थिंग्स आर बींग डन बाय पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स बिलोंगिंग टू अदर फेथ्स मॉस्थ एंड चर्चेस अब आप ये देखिए कोई हिंदू के पास आके कह रहा है आप बहुत गरीब हैं आपके पास खाने को नहीं है आपके पास रहने को नहीं है आपके पास हॉस्पिटल के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है आपके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नहीं है हम सब आपको वो देंगे बस आप कन्वर्ट कर लीजिए वो कह रहा है मेरे पास यहां पे क्या मिल रहा है मुझे आने हुए 20, 10, 30 सालों टू Hindu आप स्कूल की बात करते हैं तभी मैं कह रहा हूं ये कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जब तक आप टैकल नहीं करेंगे आप घर में जैसे वहां पे बात हो रही थी पॉप यू नो मिस्टर दीक्षित ने कहा पॉइंट इज आपके जो स्कूल्स हैं हिंदू रन स्कूल सिर्फ उनपे ऑब्लीगेशन है 25 परसेंट रिजर्व करिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए टेंस ऑफ थाउजेंड स्पेशली इन महाराष्ट्र स्कूल्स हैव क्लोज डाउन वो सारे बच्चे हिंदू बच्चे अब मुस्लिम रन स्कूल्स और क्रिश्चियन रन स्कूल्स में जा रहे हैं आपने देखा वहां पे क्या होता है मैं एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा हुआ मुझे पता है वहां पे प्रोसेलिटाइजेशन कैसे होता है सब जानते हैं सटल होता है कभी कभी नॉन सटल वे में होता है कभी कभी इन योर फेस होता है पॉइंट इज वो आपने वहाँ प्रहार कर दिया तीसरा पहाड़ आप बांग्लादेश हिंदू को बचाइए बचाइए आपने एक रिलीफ कैंप नहीं बनाया बांग्लादेशी प्रताड़ित हिंदू के लिए एक नहीं बनाया रिलीफ कैंप डिटेंशन कैंप कुछ भी करी जब आप खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप हिंदूज़ को क्यों कह रहे हैं कि अपना सनातन धर्म आगे करने के लिए आप अवेकनिंग लाइए आप ये पढ़िए वो पढ़िए उससे आई एम वोटरी फॉर टॉप डाउन बॉटम अप आप जाग सकते हैं लेकिन वही है ना आपने जागने का मतलब क्या हुआ इससे अच्छा तो हम ही रहे होते जाग के तो आपको पता चला प्रॉब्लम क्या है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं जिनको आपने इलेक्ट किया था तो इससे अच्छा सोए रहे मैन मुझे पता है कपिल जी जो है वो बहुत अधीर हो रहे हैं लेकिन मैं अभी आपके पास नहीं जाऊंगा, पहले मैं इधर आऊंगा, जिससे आप तब तक थोड़ा सा थोड़ा ठंडे हो जाए <laughs> तो ओवेन्द तो जी आप तो बांग्लादेशी हिंदू तो नहीं हैं पाकिस्तानी जो हिंदू आते हैं पाकिस्तान से उनके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं आपके निमित्त एकम के माध्यम से तो इस प्रश्न का उत्तर आप भी देने का प्रयास करें तो भारत के अंदर हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित है क्या बिल्कुल नहीं है भयानक नरसंहार की तरफ हिंदू समाज बढ़ रहा है ये तो बुरी खबर है बुरा समाचार अच्छा समाचार यह है कि 120 करोड़ हिंदू यदि अब भी केवल एक करोड़ हिंदू इनमें से अपनी जागृति को एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर पाते हैं तो हम 10 वर्ष में विधर्मी माफियाओं से पूर्णता मुक्त हो सकते हैं ये मैं पूरे दायित्व के साथ कह रहा हूं यह मैं पूरी पूरा 360 डिग्री इस डिग्री सब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद बोल रहा हूं धरती पर काम करता हूं समस्या क्या है इंडियन स्टेट एज इट स्टैंड टूडे इज एन एनिमी ऑफ हिंदूज मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में हमारे दुखों का मूल कारण लेकिन क्या है मैं एक डरावनी शरम आप हां ये ए, मिस्टर दीक्षित कह रहे थे इनको पहले लाता हूं ताकि ठंडे हो जाएं ये तो और गर्म आ <laughs> <laughs> नहीं मैं तो पर आपको बताऊंगा कि धन्यवाद <laughs> 1902 स्वामी विवेकानंद के मोक्ष के बाद कोई एक राजनेता मुझे बता दे जो अपने आप को सार्वजनिक रूप से हिंदू कहता हो मदन मोहन मालवीय मतलब मतनमोहन मालवीय थे से तो वीर सावरकर भी थे लेकिन तो हमारा तो मैंने एक बता दिया हमारा <laughs> क्राइसिस आज 2024 में वी डू नॉट हैव अ हिंदू लीडरशिप समथिंग विच शुड सेंड अस केरी चिल्ड डाउन आर स्पाइंड वी आर अ सी ऑफ 120 करोड़ ट्वेंटी विदाउट हिंदूज लीडरशिप आज हमारी सेफ्टी को बाटर कौन करता है किससे करे बांग्लादेशी हिंदुओं के डेढ़ सौ वीडियो पड़े इस फोन में मेरे आंसू सूख चुके उनके लिए रो रो कर किस तरह डॉक्टर हूं दे आर डिनाइंग ट्रीटमेंट टू हिंदूज मर्डर दैट यू कैन नॉट क्वांटिफाई आप 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 सिद्ध कैसे करोगे उस मर्डर को एक कार्डिक पेशेंट को आप स्ट्रेप मत दीजिए छह घंटे में मर जाएगा अस्सी मर्डर्स इस तरह के गोपालगंज में हुए हैं पॉइंट इज दिस भारत में हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं है क्योंकि इंडियन स्टेट हिंदुओं के विरोधी है हिंदू समाज बिना नेतृत्व के है अब दूसरा डरावना एंगल एक कैंसर है जो बहुत जल्दी ग्रो करता है It's like mel melanoma. दिख भी जाता है फटाफट फड़ डॉक्टर के पास गए हालांकि वो इतना गंदा कैंसर है कि डॉक्टर देखकर भी बचा नहीं पाएगा एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ट्यूमर किडनी का या कोई छोटा ट्यूमर आपकी बॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है यह शब्द ध्यान से सुनिएगा और, और चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए जाकर घर जाकर फिर देखिएगा फिर रटिएगा रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्केटर्ड वायलेंस अकस्मात अनवरत लघु श्रेणी की छित्री हुई हिंसा एक हिंसा होती है जो प्रकट होती है जो आपका ध्यान खींचती है गोदरा में हुई समाज ने विद्रोह किया एक हिंसा होती है जो एक एक करके एक एक करके रोज एक बी श्रेणी का सी श्रेणी का डी श्रेणी का हिंदू कहीं मारा जा रहा है अखबार के निचले कोने में न्यूज आती है आप कहते हैं अरे अरे बेचारा विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था मारा गया अरे अरे संघ का कार्यकर्ता था मारा गया कन्हैयालाल की मृत्यु देखी थी हत्या देखी थी सबको याद है कन्हैयालाल के, के साथ सात और हिंदुओं को मारा गया किसी का नाम याद है ये वो भयावह शस्त्र है विधर्मियों का रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जयपुर डायलॉग्स पर हमने वो डेटा अपलोड किया है साढ़े पांच से अधिक हिंदुओं की राजनीतिक हत्या की गई है इस्लामियों के द्वारा मैं कम से कम आधा दर्जन चैनल्स के पास गया कि इस डेटा को पब्लिश करिए किसी ने नहीं किया सर ने आशीर्वाद दे करके उस डेटा को अपनी जयपुर डायलॉग्स के उस पे अपलोड कर रखा है इसलिए जयपुर डायलॉग्स जैसे फोरम हमारी लाइफ ऑक्सीजन है प्राण वायु है हमारे लिए इतनी मर्दानगी तो है कि बंदा सच बोलने के लिए अपनी वेबसाइट पर नाम डाल रहा है रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड मैंने वो बता दिया कि वो राजा है ना बिना कपड़ों के है नंगा है वो सारा सच मैंने आपके सामने रख दिया है अगर इस प्रज्ञावान समाज के अंदर बात समझनी होगी तो मैंने सारी बात खोल के रख दी है अपने पिछले पांच मिनट के वक्तव्य में ये वो हिंसा है जिसको पकड़ने के लिए बहुत इंटेलिजेंट और बहुत जागरूक समाज चाहिए यदि हिंदू समाज इतना जागरूक हुआ तो अगले दस वर्ष में इकोनॉमिक कंसोलिडेशन धर्मान फाउंडेशन जेडी जैसे फ्रंट्स के साथ अगर हम इकोनॉमिक कंसोलिडेशन विच आनंद वेरी राइटली सेड किसी हिंदू को हिंदू धर्म में रहने में लाभ क्या है तो अगर हम इकोनॉमिक कंसोलिडेशन करके उसके दुख के समय पर उसकी सहायता कर पाते हैं तो हम विश्व गुरु बनेंगे वी आर एट अ टिपिंग पॉइंट राइट नाउ ट्रेंड्स आर वेरी डिस्करेजिंग बट थिंग्स कैन बी रिवर्स थैंक यू वेरी मच कपिल जी ये तो सारे चारों तरफ से आप ही के ऊपर प्रहार हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है नहीं मेरे ख्याल से आपने जब इंडियन स्टेट की बात की तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है इंडियन स्टेट और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो आपने कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं इस चिंता से भी सहमत हूँ कि भविष्य तो सुरक्षित नहीं है इसमें किसी के मन में शंका हो कोई झूठा सपना दिखाना चाहे तो जित दिखा दे और भविष्यकारी इसलिए असुरक्षित है कि इस्लामिक जो नया पैटर्न है बांग्लादेश से अगर हम देखें वहाँ पर चुनी हुई सरकार थी फुल मेजोरिटी की सरकार थी फुल मेजोरिटी की इलेक्टेड गवर्नमेंट खाली आठ दस लाख लोग सड़क पे उतरे शेख हसीना ने कोशिश करी कि पुलिस और आर्मी को लगा के उनको दबा देगी तीन सौ लोग मारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहने लगे वो मोदी जी शेख हसीना से सीखो तुमने गोली नहीं मारी प्रोटेस्ट करने वालों को देखो उसने गोली मारी एक हफ़्ते बाद वो भाग रही थी देश छोड़ के क्योंकि पुलिस और सेना जब लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे वो कुछ कर ही नहीं सकती आप किसी को भी बैठा दो उस कुर्सी पे अगर आपको लगता है कि 20 लाख आदमी दिल्ली के अंदर घुसेगा या जयपुर के अंदर घुसेगा और आपकी पुलिस और आपकी सेना और आपका चुना हुआ व्यक्ति वो 20 लाख लोगों पे गोली चलवा देगा ये विश्व के इतिहास में असंभव है तो ये कैसे रुकेगा तो 20 लाख के जवाब में 40 लाख सामने खड़ा होगा दीवार बनके तब रुकेगा जब दिल्ली में सड़कें बंद हुई थी जब तक बंद थी जब तक हमने नहीं हमने हम नहीं उतरेगी खोलो लेकिन मैं टीवी पे बैठ के देखता रहूं कि बंद है और सरकार को गाली देता रहूं कि मेरी सड़क नहीं खोल रही तो मेरा अधिकार है मैं दे सकता हूं लेकिन मेरा यह अधिकार उसी दिन तक है जब तक वो मेरे दरवाजे से अंदर नहीं घुस रहे उसके बाद तो नहीं है तो अगर ये लाखों की भीड़ जिस छुटपुट हिंसा की बात आप कर रहे हैं कहीं कन्या लाल को मारा फिर उमेश कोडे को मारा प्रवीण नेटारू को मारा अंकित शर्मा को मारा दिलबर नेगो को मारा निकिता तेमर को मारा क्या क्या सरकार इसे रोक सकती है कि समाज इसे रोक सकता है मैं आपसे पूछता हूं दोनों 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 जहां सरकारी ना हो जहाँ सरकारी ना हो आप आप पंद्रह साल ही तो जीत सकते हो और इस नंबर गेम में आप इस नंबर गेम में सब कुछ लगा दो और सब कुछ कर दो क्या पंद्रह साल बाद आपकी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके हाथ से खाली शेयर नंबर गेम में आप लूज करने जा रहे हैं नहीं करने जा रहे जयपुर शहर में हम बैठे हैं ना एक सीट तो हम नौ सौ नौ सौ वोटों से जीते और एक उसके बगल की चार पांच हार गए तो या तो वोटर ही बैठे हुए हैं कर लो आप तो समाज सड़क की लड़ाई सड़क पर ही होगी और मैं ये नहीं कह रहा कि सबको हथियार लेके निकलने की जरूरत है पर सड़क पे तो निकलना पड़ेगा ना स... गोपाल मिश्रा को मारा बहराइच में पुलिस का जो एटीट्यूड है वो पुलिस का एटीट्यूड ही मोदी के अंदर में भी वही होगा मनमोहन के अंदर में भी वही होगा योगी के अंदर में भी वही होगा जिन्ना के अंदर में भी वही होगा वो, हो वो जहरीली मानसिकता लेके बैठी है बोल रही है मुस्लिम इलाके में तो घुस ही नहीं सकती क्यों घुस गए यही यही वर्ड तो जिन्ना के थे विभाजन से पहले रामनवमी के जुलूसों को इसी तरह रोका जा रहा था मुस्लिम और आज भी रोका जा रहा है तो हम तो नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में जो हुआ टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिपीट रिपीट देख रहे हैं उसका रिपीट देख रहे हैं मैं फिर से यह कहना चाहता हूं और बार बार कहना चाहता हूं यहां किसी से कोई लड़ाई नहीं है न लड़ाई होने की गुंजाइश आपस में लड़के करेंगे भी क्या लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हिंदुओं सड़कों पर उतरना सीख लो सड़क पे भीड़ उतरेगी भीड़ को रोकने के लिए कानूनन तरीके से और शांतिप्रिय तरीके से भी अगर तुम नहीं उतर सकते तो ये भीड़ जो है ये दरवाजों पे घुसने के लिए आज नहीं तो पाँच साल के बाद ये तैयार है और इसमें आप किसी को भी धिक्कार लो किसी को भी ये कर दो लेकिन राजनीतिक रैलियों और जलसों और सभाओं और भाषणों के बियॉन्ड जाके अपने बेटे और बेटियों के लिए समूहों में सड़कों पे चौक पे चौराहों पे आना उतरना एक आजकल लोग लिख भी रहे हैं और मैं कहता हूँ भैया मंग निकलना सीख लो मंगलवार को तो पत्थर नहीं पड़ेंगे शुक्रवार को वेरी गुड एक दो एक सेकंड हो लूंगा मैं दे बांग्लादेश में जो हुआ उसके बारे में वापस अगर हम जाए बांग्लादेश जब बना यह हिंसा तब से हो रही है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा आज नहीं हो रही सोशल मीडिया है तो हमें दिखने लग गया है सन 2002, 2001, 2003, 4, 5 की डॉक्यूमेंटेड वायलेंस है बांग्लादेश में ऐसे इलाके थे जहाँ पे अगर मॉब चार या पांच लोग भी घर के अंदर घुसते थे हिंदू समाज की लड़कियाँ सीधा कपड़े उतार के खड़ी हो जाती थी कि उनको पता है रेप करने आए हैं और इनसे ये कतल कतल कर देंगे अगर रेप नहीं हुआ और एक डॉक्यूमेंटेड घटना है जिसमें माँ ये कह रही है कि आप प्लीज़ मेरी बेटी बेटी के साथ एक एक करके बलात्कार कर लो इकट्ठे करने पर वो बेटी मर जाएगी ये दो हजार एक दो के बांग्लादेशों की बांग्लादेश में पिछले 25 साल से यही हो रहा है ये तो खाली आज ये है कि सोशल मीडिया और एक सत्ता परिवर्तन हुआ तो दुनिया ने उसकी चार दिन बात कर ली और एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के हिंसा पे पांच मिनट बात करने के बाद याद कौन रखता है बांग्लादेश के बारे में हमारे भी हम भी याद नहीं रखते भारत का हिंदू समाज बांग्लादेश को अपनी स्मृति में रख नहीं रहा है वर्णा खाली बांग्लादेश के लिए देश का ऐसा कोई चौक चौराहा मोहल्ला नहीं होता जहां पे लोग सड़क पे नहीं उतरते कम से कम बांग्लादेश के लिए हमने ये मान लिया कि ये तो नियत ही है और हमारे दरवाजे पे जब तक नहीं आएगी तब तक हम इसे अनदेखा करते रहेंगे आइए इसी पे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी तक जितनी भी बात हुई बड़ी निराशाजनक हुई ऐसा लगता है कि साहब की विश्व हम तो बिल्कुल वी आर डूम्ड कुछ नहीं हो सकता तो मैं अविनाश जी से पूछूंगा पिछले चार पाँच वर्ष में आपने नैरेटिव बदलते हुए देखा है क्या और क्या ये बदलता नैरेटिव जो है वो इस हिंदू समाज को एक करके और इस प्रकार की त्रासदी को या इस प्रकार की जो ये हम बात कर रहे हैं कि ये भविष्य अंधकार में है इसको प्रकाशमय कर सकता है जिन सुरों में ये चर्चा हो रही है तो मैं ये भविष्यवाणी करने की हिम्मत करता हूँ कि अगर लड़ाई रस्ते पर उतर आई तो वो भी हम ही जीतेंगे ये मेरा ब्रेव्याडो नहीं है मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ इसलिए शब्दों में उसको कहूँगा नहीं लेकिन इतिहास से भी सीख है और अगर कोई ये बात करेगा कि हम कानून हाथ में लेके आपने जो बहुत सटीक शब्दों का उपयोग किया या तो लो इंटेंसिटी वायलेंस या डायरेक्ट अटैक जो कि पीएफआई का प्लान है तो मुझे विश्वास है कि उनको सबक मिलेगी दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हम सभी को बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे है, गहरा दुख है यह दुख मानते हुए भी मैं कह रहा हूं कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुआ कि हमारी सरकार ने राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा उठाया वरना पहले वाली सरकारों ने तो कभी बात भी नहीं की थी पर उन्होंने उठाया या सीधे यूनाइटेड नेशंस तक विषय तो पहुंचा। काफ़ी नहीं है मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है नहीं पर आ, लेट देर से आए पता नहीं अभी दुरुस्त आए या नहीं आए लेकिन मैंने जो कहा कि मेरा इतिहास का आकलन है दैट द वर्स्ट इज बिहाइंड अस दया हमारी फेवर में चल रहा है तो हमारा काम है इन शक्तियों को हम सशक्त करें समय की पाबंदी होती है इसलिए मैं अपना समय और एक बात कहने के लिए उपयोग करना चाहता हूँ नहीं आपको हम तीस सेकेंड के दो स्लॉट देते हैं हाँ धन्यवाद हा, हा, धन्यवाद हाँ न्यार न्यार नहीं नहीं मात्र अन्याय नहीं वसीलेबाजी है कि बैचमेंट्स हैं तो <laughs> अच्छा जब हमारे इतिहास में हम देखते हैं कि इस्लाम से पहले जो आक्रमण हुए वो सभी भारतीय हो गए उन्होंने यहाँ की संस्कृति यहाँ की भाषाएं यहाँ का रहन सहन अपना मान लिया ये तो इस्लाम के बाद वाली बात है कि नहीं जो आक्रामक आ रहे वो हमको उनकी तरह करने की कोशिश तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम ये सपना ये विजन तो देखें कि उसी तरह से आठवीं सदी के बाद जो आक्रामक आ गए वो यहाँ की सभ्यता यहाँ की भाषाएं यहाँ का दर्शन अपना मान के ही आगे चले चाहे उसको सौ साल लगे दो सौ साल लगे जी, एनी क्लाउड्स मैं फड़फड़ा रहा हूँ बोलने के नहीं क्या आपको केवल डार्कनेस ही डार्कनेस दिखती है टोटल डार्कनेस है ये डिस्कशन के बाद नहीं, मैं ये हॉल की बात नहीं कर रहा हूँ टोटल डार्कनेस है हाँ नहीं मैं मैं बताता हूँ देखिए सब मेरी फैमिली है यहाँ पे लेकिन ये कपिल जी की बात सुनने के बाद माइक के पास बोलो ये शा, ये साजिश है आ, कि मेरे को माइक अब कपिल जी का माइक दिया थोड़ी इसमें और जान आई कपिल जी की बात सुनने के बाद इससे ज़्यादा हताशा मुझे नहीं हो सकती मैं खुद हार गया हूँ मैंने घुटने टेक दिए मैं आपको बताता हूँ क्या दो चीज़ें बताऊँगा स्टेट से और ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मैं इनको मान रहा हूँ आगे जाके ये ना ही आ, आ, सिर्फ दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे आई हैव एक्सपेक्टेशंस एट सेंट्रल लेवल एट नेशनल लेवल फ्रॉम हिम सो आई एम सेइंग ही देखिए सी एम ऑफ डेली आजकल ऐसे फ्रेज बोलना है गाली देने के मुताबिक है तो मैं अभी वो नहीं दूंगा मैं इनका सेंट्रल रोल और उनसे ऊपर जाना चाहता <laughs> देखिए सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट स्टेट के लिए क्या होती है सी ए डॉक्टर बिजनेसमैन नर्स फार्मर स्टेट का है कि सड़क पे उतरो अपनी मांग लेने के लिए इससे बड़ी एम्बेरसमेंट और इससे बड़ा रियलाइजेशन स्टेट के लिए कि हम थर्ड वर्ल्ड फोर्थ वर्ल्ड कंट्री हैं कुछ हो ही नहीं सकता स्टेट का काम है स्टेट हैज़ मोनोपोली ओवर वायलेंस स्टेट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर टू से दैट यू योर डिमांड्स आर नॉट बींग फुलफिल्ड यू बेटर कम ऑन द स्ट्रीट्स इट इज बियॉन्ड डिमीनिंग इट इज सो एम्बेरेसिंग कि मैं मर जाना पसंद करूंगा तैतीस साल के बाद आप कश्मीरी हिंदू सद कि बेटा आपको वहां रिहेबिलिटेट करना सड़क पे आओ ना सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हो आपकी बात हम सुनेंगे आप सड़क पे आइए इट इज डिमीनिंग इट इज एम्बेरसिंग प्लीज डोंट डू दैट कपिल यू माई ब्रदर डोंट एवर द स्टेट शुड नेवर एवर आस्क इट्स सिटीजन टू डू वॉट इज द स्टेट्स जॉब द स्टेट्स जॉब इज टू प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर इज टू डू द राइट थिंग इफ यू कैन डू द राइट थिंग

और एक बी एस एफ ऑफिसर कह रहे हैं आपको अंदर नहीं आने दे सकते भाग रहे हैं वो रेप मर्डर उससे भागे हुए हैं और वो नदी में खड़े एलिगेटर और स्नेक्स इंफेस्टेड तीसता वाटर्स ये हम उन ये हम अपने हिंदूज के लिए सोच रहे हैं और फाइनली स्टेट रियलाइजेशन नहीं कर रहा ये आर वी ट्राइंग टू री द व्हील मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं मैं एक साइंटिस्ट हूं मैंने लेनेंजर या स्ट्रायर बायोकेमिस्ट्री की किताब है चैप्टर एन वर्ड्स रट ली विल यू कॉल मी ए रेडिकल साइंटिस्ट कोई डॉक्टर है आप डॉक्टर है आपने ग्रेस अनाडमी पूरी पढ़ ली आप रेडिकल डॉक्टर हो गए नथिंग कॉल्ड रेडिकल इस्लाम ये क्या पॉलिटिशियन ने लगा रखा है कि हमें रेडिकलाइजेशन कम करना होगा जो रेडिकलाइजेशन हो गया है वो खतरा ला रहा है देर इज इस्लाम देर इज नथिंग कॉल्ड रेडिकल इस्लाम देर आर पीपल हु फॉलो इस्लाम and there are people who do not follow islam, muslims. that's the difference. so for the state to believe that we can combat this radicalization, what are you trying to do? you're trying to invent a wheel that's not been done for 1,000 years. so instead of acting there, please act on removing discrimination against hindus. that is what needs to be done. thank you. <laughs> ऑन जेवरी थे नो वेट एक मैं मैं बस एक से नहीं पर आपको तो मैं काट ही नहीं सकता देखिए उन्होंने आपके बाद में कितनी नेट क्या पहले उधर आप उधर कर और तो हमने आपके दोनों के बीच में हमने दोनों के बीच में गैप रखा हुआ है जानबूझ के <laughs> तो उमेन things things as bad as 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 bad bad Anand Anand ji is is saying, saying, hmm. or uh, there there are are some green shoots. but hope. We will fight back because Maharana पुस्तक लिखने के बाद में जैसे सत्तर हजार कॉपीज हिंदुओं ने खरीदी जो किताबें खरीदते नहीं हैं और जो मुझे फीडबैक तमिलनाडु से वाराणा प्रताप आंसू में रो रहे तमिल He's not able to, he's able to even express the, uh, the, the, the feelings. As a Tamilian, man you i sorry. <laughs> <laughs> I knew you were going to um, Please uh, don't persuade me to call Abhijit and <laughs> call out your, your Tamil heritage. <laughs> uh, please, you, you speak three sentences in Tamil. <laughs> मैं सिर्फ तमिल हंड्रेड परसेंट तमिलियन के अगेंस्ट बोलता हूं <laughs> तो, तो ये क्या बोला इन्होंने जो, <laughs> जो भी बोला बहुत अच्छा बोल। तमिल <laughs> तो एक जाट पंचायत हो रही थी मैं अब गंभीर विषय पर आ जाता हूं कि क्यों मैं कहता हूं कि ये लड़ाई हम जीत सकते हैं तो वहाँ पर बहुत वो तो पुराना आदमी तो बहुत बदमाश है भाई वो तो किसी के नहीं सुनता ये है वो है तो फिर एक बूढ़ा मक्कू था कोई खड़ा हुआ बोला भाई सब ठीक है वो बदमाश है पर क्या गोली लगने से मना कर देगी के गोली तो लगेगी इफ वायलेंस इज द सोल आर्बिट्रेटर ऑफ मोरालिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी हिंदूज टू इट एंड टे मेंटेन देअ लाइज विद वायलेंस सपन से जुदा क्या कहा आता है जब आप सच बोलने लगते हो तो आपको सच नहीं बोलने दिया जाएगा इतना वीरवान हिंदू समाज होना चाहिए और मैं ये राजनीति पर मैं इस देश के धर्माचार्यों पर इस देश के मठाधीशों पर यह नहीं डाल रहा हूं मैं संजय दीक्षित आनंद रंगनाथन धर्माधिकारी हम अपने आप पर ओढ़ रहे हैं कि हम इस समाज को जगाकर इस समाज को नेतृत्व देंगे क्योंकि धर्म भगवान कृष्ण और भगवान महादेव का है और वो ऊर्जा और वो शक्ति हमारे साथ लगेगी हम इस धर्म को बचाएंगे हमारे बच्चों का सामान्य जीवन दाव पर है मुझे कई बोलो कहते हैं पाकिस्तान के हिंदुओं को बचाते हैं मैंने कहा भैया मैं किसी को नहीं बचाता मैं अपने बच्चे बचा रहा हूँ आई एम अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड मैन मुझे या किसी का ठेका नहीं लिया मैंने मैं अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं कहने इसका टूल क्या होगा रिटोरिक असाइड वी हैव टू इकोनोमिकली कम ऑन अ प्लेटफॉर्म अब लगेगा लगेगा मैं अपनी धर्मांश की बात कर रहा हूं लेकिन मैं कहता हूं आप अपने राज्य में आप अपनी जाति के लिए एक ब्राह्मण धर्मांश कोष बनाइए एक राजपूत धर्मांश कोष बनाइए कितने ब्राह्मण है कपिल भाई इस पृथ्वी पर मैं बताता हूं आठ करोड़ फ्रांस की जनसंख्या कितनी है आठ करोड़ प्लस वन राहुल गांधी भी वेरी वेरी गुड गुड दिस वाज नीडेड फ्रांस की जनसंख्या कितनी है सेवन करोड़ <laughs> आपके देश में फ्रांस की जनसंख्या से ज्यादा ब्राह्मण है और ब्राह्मणों की बच्चियां सबसे ज्यादा लव जिहाद में उठती है ये शर्म की बात डूब मरने की बात हमारे लिए आठ करोड़ ब्राह्मण अगर इनमें से एक करोड़ ब्राह्मण भी सौ रुपए महीने का धर्मांच दे सौ करोड़ रुपए की फंडिंग आ गए भाई साहब सौ करोड़ की फंडिंग और मैंने आप लेके बैठे हो आए जिसने माँ का दूध पिया है सामने आए देखे बताएंगे उसको हिंदू फिर आप हिंदू को एम्पावर नहीं कर रहे आप उसको पुलिस से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे आप उसको स्ट्रीट पर पावर नहीं दे रहे आप उसकी बेसिक नीड्स उसके बच्चों की एजुकेशन उसके माँ बाप का इलाज उसका ध्यान नहीं रख रहे और वो कैसे रखेंगे आप धर्मांश 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 अनलेस हम हिंदू शुरू नहीं करते हम नहीं बच सकते सॉरी 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 तो हम धर्मांश मैं इसीलिए कहता हूं कि गुणीजनों के पास बैठना चाहिए। compulsory. Compulsory. तो मैं, मैं गुहार लगा रहा हूं समाज से धर्मांश अगर धर्मांश फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक जेनेरिक ऑर्गेनाइजेशन है धर्मांश फाउंडेशन यू में हम शुरू कर चुके हैं धर्मांश फाउंडेशन यू शुरू होने वाला है और आप आप आके हमारी वेबसाइट पर आप हमारा काम देखिए और फिर आप भी धर्मांश शुरू करिए ये इतना छोटा अमाउंट है हर जाति की धर्मांश में मैं इक्यावन सौ रुपये हर महीने दूंगा इस घोषणा के साथ धर्मांश अगर हम इकोनॉमिकली कोलैबोरेट कर जाते हैं इन माफ़ियाओं को हराना दस साल के अंदर

तो मैं मेरे खर्चे से शिवाजी महाराज का चरित्र आपको देने वाला हूं कपिल जी नहीं कोई बात नहीं, कोई बाद, नहीं कोई बाद एक और राहुल कहा समाज इकट्ठा करेगा संसाधन समाज संकल्प करेगा लड़ने का तो समाज में शक्ति है कि यहां से हम पुनः जिस जो सप सपना कभी भी हिंदुओं ने देखा होगा शिवाजी ने देखा होगा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दो एक्चुअली जब मैंने सवाल जब पूछा था ना तो मेरे मन में एक नारा था लेकिन सभी विद्वान जनों ने किसी ने उसकी बात नहीं की एक किसी गुणीजन ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे हाँ तो थोड़ा उसके बारे में भी बात हो जाए हाँ क्योंकि तो आनंद जी मानते हैं कि साहब किसी से कोई असर नहीं पड़ता मैं तो इसका असर प्रत्यक्ष देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि जहाँ से आपने बोला अगर इकट्ठे हो गए आपने कहा कि हम लड़े सड़क पर लड़ाई होगी तो जीतेंगे लड़ेंगे तो जीतेंगे लड़ने को तैयार है तो जीतेंगे आप कह रहे हो कि स्टेट क्यों गिड़गिड़ा नहीं रहा ललकार रहा हूँ आह्वान कर रहा हूँ तुम डॉक्टर हो गए सी ए हो गए इंजीनियर हो गए वैज्ञानिक हो गए कुछ भी होगे तो अपनी बेटी को बचाने के लिए भी नहीं निकलोगे क्या कह के लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन रहेगा चुपचाप एक एक करके मरते रहो सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा पाकिस्तान बन जाए बांग्लादेश बन जाए स्टेट और लॉ एंड ऑर्डर बचा रहेगा आप ये उनका वैज्ञानिक नहीं निकल रहा उनका डॉक्टर नहीं निकल रहा उनका सी नहीं निकल रहा उनका दर्जी नहीं निकल रहा उनका ठेले वाला नहीं निकल रहा हूँ उनका कपड़े वाला नहीं निकल रहा नहीं निकल रहा क्या इकट्ठा हो गए उसके जवाब में हम नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा हम इकट्ठे नहीं होंगे तो कौन होगा आप बोलो कि सर, सरकार ने हमें इतना सरकार ने हमें इतना कमजोर कर दिया कि हमने घुटरे अरे घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या बंदा बैरागी के सर पे हाथी नहीं चढ़े थे क्या हिंदुओं की उस चेतना को ललकारने का समय है यही समय है और जो आपने कहा ऐसा कोई ना कोई इनिशिएटिव जहाँ पे हम आगे बढ़ के संसाधन भी इकट्ठे करें गली में जो लड़के भगवा पहन के घूम रहे हैं ना जिनको आप ये सोच रहे हो कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है ये हमारा लड़के घूम रहे हैं भगवा पहन के ये क्या अपना काम करेंगे जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई आएगा तो तुम्हारे सगे बेटे से पहले वो भगवा पहन के घूमने वाला लड़का खड़ा होगा तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पे और इस इस सिस्टम को जिस जिनसे लड़ाई है पहले उनको पहचानो उन जिनसे लड़ाई है उन उनसे उन उनसे लड़ना हमको ही पड़ेगा ये ये आप कंफ्यूज कर रहे हो कि सरकार का रोल क्या है स्टेट का रोल क्या है भारत का एक संविधान है वो संविधान भी कहीं कहीं से इम्पोर्टेड है उसकी कुछ लैंग्वेज है उसमें बाद में कुछ जहर भी गोला गया कुछ लोगों के द्वारा इमरजेंसी में उसके बाद उस पूरे सिस्टम से कुछ सरकारें बनी हैं वो उसको हम तथाकथित लॉ एंड ऑर्डर का नाम देते हैं उस लॉ एंड ऑर्डर के भरोसे पे क्या हिंदू समाज अपना अस्तित्व अस्तित्वताओं पे लगा देगा क्या लगा सकता है क्या लगाना चाहिए क्या मैं ये कहता हूं मैं, मैं बार बार कह रहा हूं ये कोई गिड़गिड़ाने की बात नहीं है कि हमें भी सड़कों पर तो ये ललकारने की बात है ये अप, अपनी, अपनी वीरता को अपने संस्कारों को अपने इतिहास को पहचानने की बात है हम तो कभी भी कभी भी हम अगर हम पहले भी लड़े और जो आत्मसात कर लिया आत्मसात को हाथ जोड़ के तो नहीं किया हाथ जोड़ के तो नहीं किया कुचला पहले फिर आत्मसात किया है ना कोई तो ऐसा नहीं जो हमसे जीत गया और आत्मसात किया हो कुचल दिया कुचलने के बाद उससे कहा कि तू भी रह ले चले कोने में तो मैं ये कहना चाहता हूं फिर से ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है राजनीतियों की लड़ाई नहीं है ये वोट से या वोट के जाने और आने से ये लड़ाई किसी में गति तेज हो सकती है किसी में गति धीमी हो सकती है लेकिन दिशा निर्धारित समाज करेगा और धर्म करेगा अगर धर्म और समाज और समाज के जागरूक नागरिक अपने बेटे और बेटियों को धर्म के लिए लड़ना और खड़े होना और आवाज़ उठाना सिखा सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस धर्म को हरा दे और सिखाना भूल गए और आ, और अपने और हार मान ली या ये सोच लिया कि जिसको कहा था वो तो कर ही नहीं रहा तो अब तो कुछ संभव ही नहीं है तो मुझे ये लगता है कि फिर दिशा नकारात्मकता की तरफ भी जाती हुई दिखती है तो मैं पुनः आह्वान करता हूँ हिंदू वीर संस्कार का आह्वान है जिस संस्कार के कारण जिन बलिदानियों के कारण आज हम यहाँ पर बैठे हैं पूजा करते हैं मंदिरों में आज भी घंटियां बजती हैं पाँच सौ साल पहले जिसने मंदिर तोड़े थे उसने ये सोचा था कि मूर्ति छोड़ दो सदियों तक ये अपमान सहेंगे और सदियों तक इनकी इन हम इनकी पराजय इनके माथे पे थोपी जाएगी उसने सपने में नहीं सोचा था कि दे ते, तेरी पाँच सौ साल पूरे होने से पहले पहले भव्य मंदिर दोबारा खड़े होने शुरू हो जाएंगे दोबारा बनने शुरू ये समाज की वीरता से हो रहा है और उसी समाज की वीरता का ये आह्वान मैं यहां पे करता हूं डेफिनेटली खतरा है लेकिन डेफिनेटली विजय संभव है अगर एक हो गए और बटेंगे तो उसका, उसका और यही हमेशा से हुआ है तो इकट्ठे हो जाए एक हो जाए संस्कार और वीरता को जागृत करें जो जिसका जो जिम्मेदारी वो पूरी करे जो नहीं कर रहा उसको आगे बढ़ के कोई दूसरा भर दे लेकिन ये डेफिनेट है युद्ध दिमागों में भी लड़ा जाएगा और सड़कों में भी लड़ा जाएगा जिसमें हिम्मत होगी जो लड़ेगा वो जीतेगा आ, एक मिनट थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूँ क्योंकि दो विचार आए हैं और आनंद जी आरंभ करें उससे पहले क्योंकि ज्यादा मुझे याद पड़ता है कि सर जदुनाथ सरकार ने जो औरंगजेब का इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि दी आई थिंक टोटल फिफ्टी एट ईयर्स आई थिंक फोर्टी नाइन टू सिक्सटीन जीरो सेवन जो औरंगज़ेब और हाँ सिक्सटीन फिफ्टी एट टू टू सेवनटीन जीरो सेवन जो ये उनचास साल थे उसके ए, तो जद सरकार ने लिखा है कि दिस वॉज पर डार्केस्ट पीरियड Darkest period in the civilizational history of India. आनंद जी ये बताइए आर वी एट अ डार्कर स्टेज बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और इसका आंसर एम्फेटिक यस है जब भी माइक मेरे पास आता है प्रॉब्लम आ जाती है सर अच्छा इज दैट बेटर या बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने और इसका आंसर एम्फेटिक यस है वो येस क्यों है क्योंकि जब सर जादू नाथ सरकार ने कहा था देट वॉज द डार्केस्ट पीरियड वी हिंदूज वर एट द रिसीविंग एंड वी डिड नॉट हैव पावर नाउ इट इज इवन मोर डारकर इन माई एस्टिमेशन बिकॉज वी आर नॉट एट द रिसीविंग एंड बिकॉज वी हैव द पावर एंड येट वी आर एट द रिसीविंग एंड विच इज वर्स फॉर यू टू हैव पावर एंड देन

मैं भी सेंट्र, से, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉई हूं उस चक्कर <laughs> में <दे। laughs> आप फ्री, फ्री माफ कर लीजिए <laughs> तो फिर फोर्टी फाइव सेकंड्स दे दीजिए दो बातें अगर मैं पहले हताश था कि का कुछ नहीं हो सकता अब मैं बियॉन्ड हताश हूँ कपिल जी की बात सुन के निराश।, निराश से भी निराश क्योंकि देखिए मैंने घुटने नहीं टेके स्टेट ने भी घुटने टेक दिए स्टेट क्या कह रही है कि जब तक हम सड़क पे नहीं आए थे तब तक वो हाईवे और स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं खुला था फार्मर प्रोटेस्ट में जब पांच हाईवे बनते एक साल के बाद वो हाईवे एवरी डे नेशन सफर्ड एन इकोनॉमिक लॉस ऑफ थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्रोर विच बिजनेस मैन वॉज कॉम्पनसेटेड किसकी गलती है विच हैड रोल्ड किसके बिजनेस लूट लुट गए और स्टेट ये कह रहे हैं कि हम आज सड़क पे शाहीन बाब छह महीने तक चलता रहा बारह मिलियन आपकर कम्यूटर्स को आपने रोका लेकिन

हर एक ब्राह्मण से आप कुछ पैसा लीजिए सौ करोड़ मिलेगा दस साल में चीज़ चेंज हो जाएगी आप ये देखिए हिंदुओं की इतनी दुर्दशा है कि ये कह रहे हैं हम दस साल में चीज़ चेंज कर लें अगर सौ करोड़ आ जाए आपको पता है सिर्फ तमिलनाडु स्टेट से पर ईयर हिंदू टेम्पल्स आर लूजिंग सिक्स थाउजेंड कितने स्टेट्स हैं इंडिया में अगर दस और लगा दो तो 60,000 करोड़ हिंदुओं का पैसा नहीं मिल रहा है उनको 100 करोड़ में 10 साल में चेंज करेंगे 60,000 करोड़ आ तो कितने में चेंज करेंगे और नंबर टू सबसे जरूरी बात मैं आपसे बात कहना चाहता हूं चार लाख एकड़ दस साल में वक्फ लैंड का अब नौ लाख एकड़ हो गया है अगर उसमें से एक लाख एकड़ आप हिंदू लैंड पे ही कब्जा मान लीजिए उसका प्राइस लगा लीजिए तो आप 100 100 करोड़ में छोटी चेंज में कह रहे हैं देश चेंज होगा और बड़ी जो पूरा खजाना है कुबेर का जो हिंदुओं से हथियार लिया गया है वो वापस नहीं लेना चाहते ये ये इसीलिए कह रहा हूं मैं घुटने टेक चुका हूं uh, uh, इसी सवाल का जवाब आपसे भी लूंगा अविनाश जी इज दिस पीरियड्री विद विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एज टू whether दिस इज द डार्केस्ट पीरियड नो आई डोट एग्री इसलिए मैंने शिवाजी महाराज की बात चलाई कि वो जब उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा दैट डेफिनेटली वॉज द डार्केस्ट पीरियड और फिर वक्त का मैं भी ख्याल रखूंगा इसलिए थोड़ा उपमा मेटाफर जो मैं उपयोग कर रहा हूँ इट मे अमाउंट टू ट्रिवेलाइजिंग सो आई विल से सॉरी इन एडवांस बट वॉट ऑल दैट यू आर सेग इज़ लाइक इंडिया इज थर्टी सेवन फॉर फाइव द विनिंग टारगेट इज 350 आप कह रहे हैं हम मैच हार चुके हैं हम कह रहे हैं वहाँ मैदान में हम खड़े हैं और मैच जीत के रहेंगे कपिल जी लक्ष्मण एक ही बार आया था मैं सर एक बात मैं बोलूँगा आप टाइम तो दे चुके हैं अपना नहीं सर आप आ गए अब <laughs> तो मैं अलग से समझ नहीं हाँ। आनंद को जवाब देना था दस सेकेंड मुझे दे दो। आप सामने खड़े हो गए हमने वो ऑयल बात का इंतजाम कर रखा है <laughs> दस सेकेंड इट इज क्रिशियल बिकॉज ये एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको मैं संजय सर से ही सीखा हूँ

ब्रेन है लिवर है हार्ट है इंटस्टाइन है मसल है अलग अलग काम करते हैं आप चलिए अब चलते हैं इंटस्टाइन हैं आप इंटेस्टाइन्स हैं आपको आप सिर्फ फीड करना है मसल अपना काम करेगी 120 करोड़ के हिंदू समाज में इतने युवा बच्चे हैं ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा आप सौ महीने का धर्मान दे दे बाकी हम बस 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 बस, बस। कई बार लोगों को लगने लगता है कि आप सिर्फ है तो राहुल गांधी क्या है राहुल गांधी सर नहीं मैं कर दू मैं कर दू राहुल गांधी लास्ट वर्ड टू कपिल मिश्रा जी इसके बाद हम आनंद जी को अलाउ नहीं करेंगे नहीं मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं जिस स्ट्रीट पावर की मैं बात कर रहा हूँ कि उतरना पड़ेगा वो उन्हीं लड़कों की बात कर रहा हूँ जिनकी आप कर रहे हो ये नहीं लेकिन हाँ फंड के बगैर भी उतर रहे वो तो बेचारे वो तो बिना पैसे भी उतरेंगे और उतरी रहे हैं आप साथ दे देंगे तो भी साथ दोगे तो भी लड़ेंगे साथ नहीं दोगे तब भी लड़ेंगे विरोध में खड़े हो गए तो तुमसे लड़के भी लड़ेंगे लेकिन वो लड़ेंगे और लेकिन समाधान यही है जो आप दे रहे हो जहां तक मंदिरों की बात आपने की देखो हिंदू समाज कोई इस्लाम की तरह है कि मस्जिद से पैसा आएगा एक ही जगह जाएगा एक ही ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है सारे मंदिर अलग अलग ही हैं मंदिर स्वतंत्र होने चाहिए सरकार का कोई अधिकार नहीं है मंदिरों पे आई एग्री पर आप ये सोचते और ये सभी एग्री कर रहे हैं धीरे धीरे होने भी लग रहा है उस दिशा में जा रहा है लेकिन 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 इसके कारण इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा ये इससे बड़ी गलतफहमी नहीं है जो मंदिर स्वतंत्र है ना जिनपे अपना पैसा आ रहा है सरकार नहीं ले रही वो बैंक के टॉल खोल कर शादी करा रहे हैं वहां पे वो कोई उसका धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा वहां पे वहां पे आप जाके अगर धर्म के लिए बोलोगे ना कि हमें हिंदुओं की पचास लड़कों की मीटिंग करनी है वो जगह ही नहीं देंगे आपको मीटिंग करने के लिए ये कड़वा सत्य है <laughs> कोई नहीं दे रहा कोई उस पैसे का इस्तेमाल समाज के लिए नहीं हो रहा तो क्योंकि वैसा कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ही नहीं है कोई मैकेनिज्म समाज को बनाना पड़ेगा जो सरकार नहीं बना सकती सरकार बनाएगी तो फिर कोई वहां पे सेकुलर बैठेगा और लूट लेगा हम लोगों को धर्मांश उस दूसरी चीज मैं फिर से कहना चाहता हूँ आज के भारत को औरंगजेब के भारत से भी ज्यादा डार्क बताना मैं यह मानता हूं कि मूर्खता की पराकाष्ठा है इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती कि कोई आज के भारत को औरंगजेब के भारत से तुलना करे आपने वो आप अयोध्या का मंदिर टूटता हुआ काशी का मंदिर टूटता हुआ बाके बिहारी को ले जाके वहां पे रखते हुए मथुरा का मंदिर टूटता हुआ गुरु तेग बहादुर का कत्ल यहाँ दिल्ली के लाल किले पे ये शीश महल पे यहाँ पे जो हमारे सतीदास मतीदास का जो कत्लेआम हो रहा था वो चार चार जो हमारे साहिब जा रहे थे उनका जो कत्लेआम हो रहा था दीवारों पर जो चुने जा रहे थे आप मोदी शर्मा नहीं शर्म आनी चाहिए इससे शर्मनाक नहीं हो सकता कुछ और बेवकूफ नहीं हो सकता कुछ इससे नहीं हो सकता। और आपने कितना पहचानना भूल गए कि अपने घर में बड़े भाई को दुश्मन ढूंढने लग गए अपने दुश्मन को तो पहचानो दुश्मन कौन है आज फिर से वही करने को तैयार खड़ा है और कोई तुम्हें कह रहा है कि सम्भालो तो कह रहा है बड़ा भाई संभालेगा तो संभालेगा वरना मैंने तो घुटने टेक दिए भाई तुमने ठेके होंगे हमने नहीं ठेके आजा साहब अब हम इस वार्तालाप को यहाँ समाप्त करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो चुका है और ये जो कुश्ती है इसको हम बाहर अभी कंडक्ट करेंगे देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा अभी बाहर ये कुश्ती होगी वहाँ पे को तेल का वो रखा हुआ है अच्छा <laughs> जी बटेंगे तो पटेंगे तो बटेंगे तो हिंदू हिंदू अभी अभी, अभी बैठे भाई बैठे बैठे देखिए एक यहाँ पर हमारी जूरी बैठी थी जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रही थी तो एक क्वेश्चन आया है दिव्य ज्योति जी का इसको चुना गया है सर्वोत्तम प्रश्न के लिए और इसका ये है कि आर को टाइम टू तो टाइम भटकन से बचाने के लिए परमानेंट सोल्यूशन क्या है एग्जाम्पल हर मस्जिद में अब शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए देखिए अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है क्यों कपिल जी अभी अभी आपको पता है कि साब सीक्रेट मीटिंग भी हुई है बटेंगे तो, तो कटेंगे पे तो समर्थन मिल गया है तो दिव्य ज्योति जी आइए आपके लिए ये एक पुस्तक है ये सर्वोत्तम प्रश्न का आपका पुरस्कार है इस पैनल की ओर से सही ट्रस्ट अरे थैंक यू बेस्ट कुछ बात नहीं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अब अगला सेशन अभी और है एक तो आप लोग कृपया उसकी प्रतीक्षा करें